नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। बीजेपी नेता के किसानों ने कपड़े फाड़े, पुलिस ने किया लाठी चार्ज। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने राजस्थान के श्री गंगानगर में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के शुक्रवार को कपड़े फाड़ दिए। मेघवाल महंगाई और सिंचाई को लेकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पुलिस को मामले को शांत कराने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा था। पिछले साल केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए थे, जिसके बाद कई राज्यों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। किसान राज्यों के अलावा दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर भी 8 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानून बनाने की है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि के राज्यों में किसान संगठनों ने बीजेपी नेताओं का विरोध करने की बात की है। जब बीजेपी नेता मेघवाल एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गए थे, उसी समय ये घटना हुई थी। कैलाश मेघवाल से हुई अभद्रता के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल को पुलिस ने किसानों की भीड़ से सुरक्षित निकाला। पुलिस ने इस दौरान लाठी चार्ज भी लोगों पर किए। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और भी जानकारियों को जानने के लिए। धन्यवाद।